हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि मटेरियल बेसिकली किस चीज़ से मिलके बना है। ठीक है, तो जो भी आपका इस यूनिवर्स में है, जितने भी आपके मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं, एनीथिंग, सब किससे मिलके बने हैं? आपके एक मैटर से मिलके बने हैं, उसी से नाम आया मटेरियल। ठीक है, जस्ट लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब क्या है आपके पास? एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स में क्या होगा कि केवल एक ही टाइप के एटम्स होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। अभी तक 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 92 जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके नेचुरल होते हैं, बाकी आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्हीं मेटल्स में यानी मटेरियल्स में आपके क्या होते हैं। हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज, जस्ट लाइक पहला हो गया आपके पास मेटल, दूसरा हो गया आपके पास नॉन मेटल, और थर्ड हो गया आपके पास मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स तीन टाइप के आपके पास, हमने इसको मटेरियल को तीन टाइप में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। मेटल्स की अगर बात करेंगे तो मेटल्स में जैसे आपका आयरन आ गया, ठीक है, आयरन आपका कैसा है? मेटल्स में आता है। कॉपर, सिल्वर, ये सब कैस में आते हैं आपके? ये मेटल्स में आते हैं। एफ ई मीन्स आपका आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब किस में आते हैं? आपके मेटल्स में आते हैं। अब इसके बाद अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स में बेसिकली लाइक कार्बन, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि कार्बन भी आपका क्या होता है? एलिमेंट्स होता है, लेकिन किस में आता है आपके पास? नॉन मेटल्स में आता है। ठीक है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया। अब ये बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं? फॉर्म का मतलब इनकी स्टेट क्या होती है। इनकी स्टेट जो होती है, या तो ये आपके सॉलिड में होंगे, ठीक है, या तो कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, या फिर आपके ये गैस फॉर्म में होंगे, सॉलिड या फिर आपके गैस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन्स है, वो है आपका ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन की जो स्टेट होती है वो कैसे होती है आपके पास? लिक्विड होती है, लिक्विड। ऐसे यहाँ पे मरकरी, ठीक है, मरकरी आपकी क्या है? आपके मेटल है, लेकिन वो किस स्टेट में होती है आपकी? लिक्विड स्टेट में होती है। कौन से टेम्परेचर पे? एट ए रूम टेम्परेचर पे। तो ये हो गया मेटल, जिसमें आपके आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये किस में आएगा आपके पास? मेटल्स में आएगा। नॉन मेटल्स में कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती हैं, बाकी सब आपके या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या फिर आपके गैस फॉर्म में होंगे। डायमंड, डायमंड्स मेटल्स या नॉन मेटल्स? डायमंड आपका नॉन मेटल्स है, क्योंकि डायमंड कैसे बना है? कार्बन से मिलके बना है, ठीक है, कार्बन से मिलके क्या बना है आपका? डायमंड। तो डायमंड भी आपका किस में आएगा? नॉन मेटल्स में आएगा। अब ये है लास्ट है मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स का मीन्स है जिसमें दो, जिस एलिमेंट में दोनों प्रॉपर्टी हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी किसकी होगी? मेटल की, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी किसकी होगी? नॉन मेटल की। उनको बोला जाता है आपके पास मेटोलाइट्स, ठीक है, यानी सम टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होगी, कुछ प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल की होगी। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएगा वो कौन सा होगा? उसमें होगा आपका सिलिकन, ठीक है, सिलिकन। अगर एग्जांपल की बात की जाए, सिलिकन,
जिसमें आपके मोबाइल्स हैं, ठीक है, मोबाइल्स में जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये बेसिकली सिलिकॉन बेस होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम मिक्स होता है, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ये आपके इसमें आ गया मेटलाइट्स में, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी और मेटलाइट्स की भी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे हम किस मेटल को या किस को नॉन मेटल में रखते हैं, यानी किस एलिमेंट को मेटल में रखा जाएगा और किस एलिमेंट को हम नॉन मेटल में रखेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के तरफ जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज होगा जिसके बेस पे हम किसी को मेटल्स या नॉन मेटल्स पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो होगा आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में कौन सा आएगा, जब सॉलिड होगा, ठीक है, या तो सॉलिड होगा या फिर आपका लिक्विड होगा या फिर आपका गैस होगा। अगर हम इसी में मेटल्स की बात करें, मेटल्स, ऑल मेटल एट रूम टेम्परेचर, ऑल मेटल्स एट रूम टेम्परेचर कैसे होंगे, अभी आपको बताया कैसे होंगे, इसमें मेटल्स कैसे होंगे, ऑल मेटल्स एट रूम टेम्परेचर आर सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लेकिन इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन सा होगा आपका, मरकरी। मरकरी, ठीक है, मरकरी इसमें कैसा होगा आपका, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में आपका, लिक्विड फॉर्म में, ओके। ये तो बात रही आपके मेटल्स के, फिर बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स, ठीक है, तो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड या गैस, या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर गैस फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें भी क्या है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक्सेप्ट है। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, होप अभी आप भूले नहीं होंगे, ब्रोमाइन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ब्रोमाइन कैसे होगा आपका, लिक्विड फॉर्म में होगा आपका, या तो इसमें सॉलिड होगा, सॉलिड जस्ट लाइक आप मान लीजिए कार्बन हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। गैस की अगर बात करें तो गैस में आपका नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, मतलब मैक्सिमम जितनी भी गैस हैं वो आपके किस में आएंगे, आपके नॉन मेटल्स में आएंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, जिसके बेस पे हमने मेटल्स को और नॉन मेटल्स को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया है आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है आपका हार्ड, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट समझते हैं आप, ब्रिटल का मीन्स है आपने जैसे ग्लास है, ग्लास को आपने नीचे फेंका वो आपका जस्ट बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यानी जो भी ये किसकी प्रॉपर्टी है, ब्रिटल, ये ब्रिटल प्रॉपर्टी है आपकी नॉन मेटल्स की, ठीक है, यानी आप नॉन मेटल्स को नीचे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में आपका ब्रेक हो जाएगी, ब्रिटल होती है आपकी। तो सबसे पहले अगर बात करें मेटल्स के केस में, मेटल्स, तो मेटल के केस में हमें पता है कि जो आपका आयरन है, आयरन सबसे ज़्यादा हार्डर होता है, ठीक है, आयरन क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हार्ड की बात करें तो आयरन आएगा, ठीक है, आयरन सबसे ज़्यादा हार्ड होगा। अगर थोड़ा लिटिल सॉफ्ट की अगर बात करें, लिटिल सॉफ्ट यानी ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ना ज़्यादा बहुत ही हार्ड होगा, तो इसमें आपके दो मेटल्स आते हैं, लिटिल सॉफ्ट, एक हो गया आपके पास एल्युमिनियम, ठीक है, और दूसरा हो गया आपके पास मैग्नीशियम, ये सिंबल होते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिसकी आप शीट्स आते हैं उसको आप सीजर से काट सकते हैं, ठीक है, इनकी सीजर्स आती हैं आपके, इनको काट सकते हैं, उसके बाद
जो आपका लेड है आपका, अगर सॉफ्ट की बात करें और ज़्यादा सॉफ्ट लेड बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें दो मेटल्स और आती हैं कि बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्ट होंगे, यानी सॉफ्टर से भी सॉफ्टर होंगे, यानी इससे भी ज़्यादा सॉफ्टर होंगे, यानी तो बोल सकते हैं टू सॉफ्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टर। लाइक किसके? लाइक वैक्स। इसमें आपकी दो मेटल्स हैं, पहली हो गई आपके पास एल्युमिनियम, सॉरी पहली हो गई इसमें आपके पास सोडियम, ठीक है, दूसरी हो गई आपके पास पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये टू सॉफ्ट होती हैं। एनी सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्टर होती है लेड, यानी इसको आप एक चाकू से भी केक की तरह काट सकते हैं, ठीक है। ये मेटल्स होंगी केक की तरह आपके, ये कट जाएंगे आपके, सॉफ्टर लेड होगी, लिटिल सॉफ्ट आपके एल्युमिनियम Mg होगी, हार्डर आपकी आयरन होगी आपके। फिर मूव करते हैं आपका ब्रिटल पे, इसमें या एक मेटल की प्रॉपर्टी और होती है आपके डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल या डक्टिलिटी जिसे बोला जाता है। और डक्टिलिटी मींस होता है कि जिस प्रॉपर्टी, मतलब मींस जिस प्रॉपर्टी में हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर दें, जिस प्रॉपर्टी में मेटल को वायर में कन्वर्ट कर दें, वो प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी की हो जाती है आपकी। तो आपने देखा होगा जो भी वायर आते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? केवल और केवल आपके मेटल्स के बने होंगे, नॉन मेटल्स के आपको वायर नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो लंबे वायर बनाए जा सकते हैं वो गोल्ड सिल्वर से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा आपके हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके ब्रिटल होते हैं, ठीक। इसमें आपके अगर बात करेंगे कौन सा आएगा, तो हम डायमंड की बात कर सकते हैं कि डायमंड सबसे टफ होता है, लेकिन इतना ब्रिटल नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। वो आप कैसे है आपका डायमंड? डायमंड आपका एक्सेप्शन केस है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में आता है आपका। हमने बोला था कि आपका आयरन हार्ड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, वो क्या है आपका? डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है नेचुरल में, अगर नेचुरल की बात की जाएगी सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है आपका। सल्फर होता है इसमें आपका, सल्फर पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। सल्फर आपका कैसे होता है? पाउडर फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। और कैसा होता है? ब्रिटल होता है आपका। और डायमंड आपको बता चुके हैं, डायमंड कैसा होता है? हार्डेस्ट होता है आपका। फॉस्फोरस एक तरह का लिटिल सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो दैट मीन्स इसकी नॉन मेटल की जो सबसे खास प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी ब्रिटल, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन केस क्या है होता है आपका? डायमंड। डायमंड इसका हार्डेस्ट मटेरियल में आता है, ओके। तो इस वीडियो में अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। पहली प्रॉपर्टी थी आपके फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने मेटल्स को या नॉन मेटल्स को तीन स्टेट में डिवाइड किया था। एक थी आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में भी होती है, ठीक है। और किस फॉर्म में होगी आपकी मेटल्स? लिक्विड फॉर्म में होगी। और लिक्विड फॉर्म में मेटल्स का क्या नाम होगा आपका? मरकरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा था आपका फिजिकल स्टेट, किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। तो नॉन मेटल्स की आपके दो फिजिकल स्टेट थी, एक थी आपके पास लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वो केस कौन सा था? वो केस था आपका ब्रोमीन का, ठीक है। दूसरा था आपका मैक्सिमम जो होती है नॉन मेटल्स, वो आपके या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या फिर आपके गैस फॉर्म में होंगे। तो अभी तक हम इस वीडियो में दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हमें दो और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।